Hello, friends. How are you? I hope you all are absolutely fine and you must be enjoying yourselves. Friends, if you want to improve your English, if you want to learn English, then this is the right place for you. Here you can improve your writing skill, reading skill, sentence forming, vocabulary building, and many more things. Today I will explain each and every rule of grammar in detail. So don't worry, I am not in a hurry. social networking sites. बहुत लोकप्रिय हुए हैं सबसे पहले यह जानना है कि यह किस टेंस में है तो दोस्तों यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है यहां पर है हुए हैं यानी कि हैज बिकम या फिर हैब बिकम सब्जेक्ट के अनुसार सबसे पहले सब्जेक्ट फिर हैज हैब फिर वर्ब थ्री होना का बिकम होता है तो बिकम बिकेम बिकम ही होता है और दोस्तों सोशल नेटवर्किंग साइट्स या इंग्लिश में ही है लेकिन साइट्स भी कई प्रकार का होता है एक होता है एस आई जी एस टी साइट एक होता है सी आई ई साइट और ये जो साइट है एस आई टी ई साइट इस साइट का अर्थ होता है दृश्य इस साइट का अर्थ होता है एक तरह से हवाला देना या कोई उदाहरण देना रिसाइट यानी कि पोयम पढ़ना रिसाइट द पोयम और इस साइट का अर्थ होता है एक तरह से स्थान या किसी साइट पर काम करना आप सुने ही होंगे दोस्तों लोकप्रिय यानी कि पॉप्युलर या फिर फेमस पिछले कुछ वर्षों में तो यहां पर लिखेंगे इन द लास्ट फ्यू ईयर्स इसे आप शुरू में भी लिख सकते हैं और लास्ट में भी लिख सकते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स यहां पर एक से अधिक है हैब यूज करेंगे हैव बिकम वेरी पॉप्युलर पिछले कुछ वर्षों में इन द लास्ट फ्यू ईयर्स सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर इन द लास्ट फ्यू ईयर्स अब तो सोशल साइट्स हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है तो दोस्तों सबसे पहले जानेंगे कि यह किस टेंस में है अंग बन चुका है यानी कि यह या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है हैज है प्लस वर्ब थ्री अब तो यानी कि नाउ सोशल साइट्स हैव बिकम पार्ट एंड पार्सल यहां पर ये यह फ्रेज यूज करेंगे ऑफ आर लाइव नाउ सोशल साइट्स हैव बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइव्स युवा लोग ऐसे साइटों पर काफी समय व्यतीत करते हैं तो दोस्तों यह किस टेंस में है सिंपल प्रेजेंट टेंस इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट इसमें एस या सीआईएस भी ऐड करना हो सकता है लेकिन यहां पर है युवा लोग यानी कि एक से अधिक है तो एस या आई एस नहीं करेंगे व्यतीत करना यानी कि स्पेंड ऐसे साइटों पर तो दोस्तों इंटरनेट की दुनिया में ज्यादातर ओन यूज करते हैं ओन फेसबुक ऑन इंस्टाग्राम या फिर ऑन इंटरनेट ऐसे यानी कि सच तो यहां पर क्या हो जाएगा ऑन सच साइट काफी समय अलॉट ऑफ टाइम आप लिख सकते हैं तो कुल मिलाकर यहां पर लिख सकते हैं द इसे ग नहीं पढ़ेंगे यंग द यंग स्पेंड अलॉट ऑफ टाइम ऑन सच सोशल साइट द यंग स्पेंड अलॉट ऑफ टाइम ऑन सच सोशल साइट यहां तक की बुजुर्ग लोग भी इनसे दूर नहीं है यहां तक की इसके लिए आप इवन का यूज कर सकते हैं इवन द ओल्ड एज पर्सन आर नॉट अवे यानी कि दूर नहीं है इनसे फ्रोम देम इवन दस्ट पर्सन आर नॉट अवे फ्रोम देम समय के साथ वे भी टेक्नोलॉजी के आदि हो चुके हैं आदि होना यानी कि गेट यूज टू हो चुके हैं यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव प्लस वर्ब थ्री समय के साथ विद द टाइम दे है ऑल्सो गेट यूज टू टेक्नोलॉजी बहुत से सोशल नेटवर्किंग साइट्स है तो दोस्तों मान लीजिए लिखना हो सोशल नेटवर्किंग साइट्स है तो आप कैसे लिखेंगे देर से शुरू करना पड़ेगा मान लीजिए एक लड़का है तो आप क्या लिखेंगे देर इज अ बोय तो यहां पर लिखेंगे देर आर एक से अधिक है देअ आर मेनी सोशल नेटवर्किंग साइट्स There आर मेनी सोशल नेटवर्किंग साइट उनमें से प्रत्येक एक, एक दूसरे से भिन्न है भिन्न है यानी कि डिफरेंट डिफरेंट from उनमें से प्रत्येक ईच ऑफ देम और यहां पर ईज यूज करना है ईच के अनुसार ईच ऑफ देम इज डिफरेंट

सोशल नेटवर्किंग साइट्स एक प्रभावशाली मंच उपलब्ध कराते हैं उपलब्ध कराना यानी कि प्रोवाइड एक प्रभावशाली यानी कि पावरफुल मंच यानी कि प्लेटफॉर्म तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है सोशल नेटवर्किंग साइट्स उपलब्ध कराते हैं यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे सोशल नेटवर्किंग साइट्स एक से अधिक है सिर्फ लिखेंगे प्रोवाइड इसमें एस एड नहीं करेंगे सोशल नेटवर्किंग साइट्स प्रोवाइड अ पावरफुल प्लेटफॉर्म सोशल नेटवर्किंग साइट्स प्रोवाइड अ पावरफुल प्लेटफॉर्म हम लोग इन साइटों पर अपना प्रोफाइल बना सकते हैं तो यहां पर बना सकते हैं सकना के लिए कैन यूज करेंगे यहां पर पर के लिए ओन यूज करेंगे तो यहां पर लिखेंगे वी कैन मेक और प्रोफाइल तो यहां पर प्रोफाइल्स लिख देंगे एक से अधिक यहां पर वी के अनुसार अपना के लिए आवर हो जाएगा कैन मेक आवर प्रोफाइल्स ऑन दीज साइट यहां पर इन है तो दीज लिखेंगे और इस रहता तो दिश लिखते वी कैन मेक आवर प्रोफाइल्स ऑन दीज साइट्स हम लोग अपनी रुचियों और शौक के बारे में लिख सकते हैं तो दोस्तों रुचियों यानी कि इंटरेस्ट शौक यानी कि हॉबीज तो यहां पर लिखेंगे वी कैन राइट के बारे में अबाउट आर इंटरेस्ट एंड हॉबीज वी कैन राइट अबाउट आवर इंटरेस्ट एंड हॉबीज ये साइट समान रुचि और गुण वाले लोगों को ढूंढने में हमारी मदद करते हैं तो दोस्तों इसमें कितने वर्ब है दो वर्ब एक है मदद करते हैं एक है ढूंढने में यानी कि टू फाइंड मेन वर्ब है मदद करना यानी कि हेल्प कौन मदद करते हैं सब्जेक्ट क्या है ये साइट्स यानी कि दीज साइट्स तो सबसे पहले लिखेंगे ये साइट्स हमारी मदद करते हैं These help हेल्पर्स यहां पर एस एड नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर प्लुरल फॉर्म में है साइट्स है दीज साइट्स हेल्पर्स ढूंढने में टू फाइंड किस चीज को समान रुचि और गुण वाले लोगों को पीपल ऑफ द सेम इंटरेस्ट और इसे भी प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे इंटरेस्ट एंड क्वालिटीज दीज साइट हेल्प एस टू फाइंड द पीपल ऑफ द सेम इंटरेस्ट एंड क्वालिटीज हम उनसे बातें कर सकते हैं वी कैन चैट विद देम वी कैन चैट विथ देम दोस्तों सोशल नेटवर्किंग साइट पर हम लोग चैट करते हैं आप चाहें तो टॉक का भी यूज कर सकते हैं वी कैन टॉक टू देम हम लोग तस्वीरें और टीका टिप्पणी साझा कर सकते हैं वी कैन शेयर फोटोग्राफ्स एंड कमेंट्स कैन शेयर फोटोग्राफ्स एंड कमेंट्स हम लोग ऐसे साइटों पर अपने पुराने मित्रों तथा सहपाठियों को आसानी से ढूंढ सकते हैं तो दोस्तों यहां पर ढूंढ है सकते हैं यानी कि कैन फाइंड आसानी से इजली बहुत आसानी से तो आप लिख सकते हैं क्वाइट ईजली ऐसे साइटों पर ऑन सच साइट तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग ढूंढ सकते हैं वी कैन फाइंड किसे ढूंढ सकते हैं अपने पुराने मित्रों तथा सहपाठियों को और ओल्ड फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स आसानी से क्वाइट ईजली ऐसे साइटों पर ऑन सच साइट्स वी कैन फाइंड आवर ओल्ड फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स क्वाइट ईजली ऑन सच साइट्स अनेक व्यापारी इन साइटों पर अपने व्यापार का प्रचार करते हैं तो दोस्तों यह है सिंपल प्रेजेंटेंस में प्रचार करना यानी कि प्रमोट करना कौन करते हैं अनेक व्यापारी तो यह है सब्जेक्ट तो यहां पर लिखेंगे मेनी बिजनेसमैन यहां पर मैन नहीं लिखेंगे बिजनेस मैन यानी कि सिंगुलर बिजनेस मैन यानी कि प्लूरल प्रमोट देयर बिजनेस इन साइटों पर ऑन दीज साइट्स मेनी बिजनेस मैन प्रमोट देयर बिजनेस ऑन दीज साइट्स हम ग्रुप्स बनाकर विभिन्न मामलों पर अपने विचारों को साझा कर सकते हैं तो दोस्तों वी कैन शेयर आवर थॉट्स बाय मेकिंग ग्रुप्स अब बाय का भी यूज कर सकते हैं और एंड का भी यूज कर सकते हैं इसके पहले वर्ब इसके बाद वर्ब इस तरीके से भी स्ट्रक्चर बनता है तो सबसे पहले लिखेंगे वी कैन मेक या फिर फॉर्म ग्रुप्स एंड शेयर आर थॉट्स विभिन्न मामलों पर ऑन वेरियस इशूज वी कैन मेक ग्रुप्स एंड शेयर और थॉट्स ऑन वेरियस इशूज वे हमारे ज्ञान एवं जागरूकता को बढ़ाते हैं तो यहां पर लिखेंगे दे इंक्रीज और नॉलेज एंड अवेयरनेस दे इीज और नॉलेज एंड अवेयरनेस लेकिन ऐसे साइटों पर जाने के समय हमें बहुत सावधान रहना चाहिए तो सबसे पहले लिखेंगे हमें बहुत सावधान रहना चाहिए यानी कि एक तरह से अडवाइस है सलाह है चाहिए के लिए सूड यूज करेंगे तो यहां पर लिखेंगे वे शुड बी वेरी केयरफुल यहां पर है लेकिन तो आप शुरू में बट भी एड कर सकते हैं बट वी शुड बी वेरी केयरफुल ऐसे साइटों पर जाने के समय तो यहां पर वाइल यूज करेंगे वाइल साइटों पर जाना यानी कि साइटों को एक्सेस करना एक्सेसिंग These these sites, sites. we should be careful while accessing these sites. आप यहां पर सच का भी यूज कर सकते हैं ऐसे के लिए जब हम इंटरनेट से जुड़ जाते हैं तो हमारी सूचना व्यक्तिगत नहीं रह जाती तो दोस्तों सूचना व्यक्तिगत नहीं रह जाती यहां पर रिमेन वर्ब का यूज करेंगे रिमेन यानी रहना व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल हमारी सूचना यानी कि आर इंफॉर्मेशन जब हम इंटरनेट से जुड़ जाते हैं वेन वी गेट कनेक्टेड या फिर आप आर का भी यूज कर सकते हैं वेन वी आर कनेक्टेड विद द इंटरनेट के लिए कोमा दे देंगे और इंफॉर्मेशन यह एक तरह से अनकाउंटेबल है इसलिए सिंगुलर ही मानेंगे यहां पर लिखेंगे डज नॉट डज नॉट रिमेन पर्सनल वेन वी गेट कनेक्टेड विद द इंटरनेट इंफॉर्मेशन डज नॉट रिमेन पर्सनल हम लोगों को अपना निजी डाटा साझा नहीं करना चाहिए वी शुड नॉट शेयर और पर्सनल डेटा इसका दुरुपयोग भी हो सकता है इट कैन ऑल्सो बी मिस यूज दोस्तों यह पैसिव वॉइस में है जैसे इसे तोड़ा जा सकता है इट कैन बी ब्रोकन तो उसी प्रकार इसका दुरुपयोग भी हो सकता है इट कैन ऑल्सो बी मिस यूज इसके अलावा हमें किसी अनजान व्यक्ति को अपने मित्रों की सूची में भी नहीं जोड़ना चाहिए तो दोस्तों यहां पर चाहिए सूड यूज करेंगे जोड़ना यानी कि ऐड ऐड के बाद टू यूज करते हैं मित्रों की सूची यानी कि फ्रेंड्स लिस्ट अनजान व्यक्ति यानी कि अननोन पर्सन तो यहां पर लिखेंगे बिसाइड्स वी शुड नॉट एड एनी अननोन person to our friends list besides we should not add any unknown person to our friends list हम लोगों को इन साइटों पर बहुत ज्यादा समय भी नहीं बिताना चाहिए we should not spend lots of time आप लिख सकते हैं मच टाइम इन साइटों पर ऑन दीज साइट टू वी शुड नॉट स्पेंड लॉट्स ऑफ टाइम ऑन दिस साइट टू ये हमारी पढ़ाई को प्रभावित करते हैं दे अफेक्ट आर स्टडीज दे अफेक्ट आर स्टडीज सोशल नेटवर्किंग साइट दोस्तों के साथ पारस्परिक क्रियाकलाप के साधन है पारस्परिक क्रियाकलाप यानी कि इंटरेक्शन इंटरैक्शन के साधन यानी कि मींस ऑफ इंटरेक्शन तो यहां पर लिखेंगे द सोशल नेटवर्किंग साइट्स आर मींस ऑफ इंटरेक्शन दोस्तों के साथ यानी दोस्तों के बीच between फ्रेंड्स the social networking sites are means of interaction between friends. थोड़ी सी सावधानी और सुरक्षा के साथ हम लोग अपने मित्रों और संबंधियों से जुड़ने का आनंद ले सकते हैं थोड़ी सी सावधानी और सुरक्षा With little care and safety. वी कैन इंजॉय कनेक्टिंग विद अपने मित्रों और संबंधियों से और फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स आप चाहें तो यहां पर ए का यूज कर सकते हैं विद अ लिटिल केयर एंड सेफ्टी वी कैन इंजॉय कनेक्टिंग विद आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव आई होप फ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा यदि अच्छा कर दीजिएगा मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों इस तरह से मैंने और भी वीडियोज बनाए हैं खासतौर से इंपोर्टेंस ऑफ एजुकेशन राइजिंग प्राइसेस इन इंडिया पॉवर्टी इन इंडिया दिन इंडिया इंपोर्टेंस ऑफ ट्रेवलिंग अजिट टू हॉस्पिटल और दोस्तों बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पर आपको वीडियोज मिल जाएंगे तो सभी वीडियोज को जरूर देखिए आपकी इंग्लिश जरूर इम्प्रूव होगी ऑल राइट फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग डे